हाय गाइस वेलकम नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से एक नया आइडिया एप्लीकेशन लेकर के आए दोस्तों। इस एप्लीकेशन का नाम है गिफ्ट कैश, जैसे देख सकते हैं राउंड करके अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन से आप 10-10 रुपये की अनलिमिटेड टाइम फ्री पेटीएम कैश अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आप दिन भर में जितना चाहो 10-10 रुपये फ्री पेटीएम कैश अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। मैंने अर्निंग किया भी है तो उसका सबसे पहले लाइव प्रूफ आपको दिखाना चाहेंगे। तो फटाफट से मैं देख सकते हैं मेरा पेटीएम आपके सामने है। चलिए मैं पेटीएम को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं जो मैंने अर्निंग किया है। तो सिंपली चलिए मैं पासबुक पर क्लिक करते हैं और जैसे मैंने पासबुक पर क्लिक किया, चलिए मैं वैलेट पेटीएम वैलेट पे क्लिक करते हैं और जैसे दोस्तों मैंने पेटीएम वैलेट पे क्लिक किया तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं टोटल सोने लग गया है। चलिए नीचे आइए और यहाँ पे देख लीजिए स्टेटमेंट। तो दोस्तों जस्ट ये नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं मनी रिसीव देख सकते हैं प्लस 10 रुपये फ्रॉम गिफ्ट कैश। इस एप्लीकेशन से आइए देख सकते हैं 10 रुपये प्लस। फिर जस्ट नीचे देखिए आप मनी रिसीव देख सकते हैं प्लस 10 रुपये फ्रॉम गिफ्ट कैश देख सकते हैं एप्लीकेशन से आइए। फिर से जस्ट नीचे आ जाइए तो यहाँ देख लीजिए आप मनी रिसीव देख लीजिए प्लस 10 रुपये फ्रॉम गिफ्ट कैश। इस तरीके से गिफ्ट कैश देख सकते हैं मैंने ढेर सारा 10-10 रुपये पेटीएम कैश कमाए हैं। आप देख सकते हैं सारा का सारा 10-10 रुपये जो है इस गिफ्ट कैश एप्लीकेशन से ही आई है। जैसे कि देख सकते हैं गिफ्ट कैश 10-10 रुपये दोस्तों। अब आप भी देख सकते हैं टोटल बैलेंस यहाँ पे मैंने ढेर सारा बैलेंस जो है मैंने पेटीएम कैश अर्निंग कर रखा है दोस्तों। अब भी आप ये 10-10 रुपये फ्री पेटीएम कैश कैसे आप इस गिफ्ट कैश एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। अब आप भी कैसे 10-10 रुपये की फ्री अनलिमिटेड टाइम पेटीएम कैसे इस गिफ्ट कैश एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं 10-10 रुपये अनलिमिटेड फ्री पेटीएम कैश, आपको करना क्या होगा इस गिफ्ट कैश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, इंस्टॉल कर लेना अपने एयरफोन के अंदर। जैसे देख मैं ऑलरेडी इसको कर रखे हैं तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक से आसानी से इस एप्लीकेशन को गिफ्ट कैश को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एयरफोन के अंदर। जैसे देख मैं इसको कर रखे हैं तो कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों कर लीजिएगा उसका सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस गिफ्ट कैश एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और जैसे दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अंदर अर्निंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अंदर एक अकाउंट बनाना होगा अपनी खुद की। तो अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपको नीचे में देखिए डॉट हैव एन अकाउंट साइन अप, इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे दोस्तों इस पर टच करके तो यहाँ पर देखिए एक साइन अप फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्रिएट अकाउंट। तो आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है और पेटीएम नंबर डालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आपका ऑलरेडी पेटीएम रजिस्टर है, पेटीएम अकाउंट बना हुआ है डाल देना है और क्रिएट पासवर्ड डालना है जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है। और रेफंड को डालना और साइन अप पे क्लिक करना है। चलिए मैं सारा चीज फिलअप करते हैं आपके सामने दोस्तों। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा चीज फिलअप कर दिया है। तो दोस्तों आपको रेफर कोड जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। इसलिए सारा चीज फिलअप करने के बाद सिंपली आपको साइन अप पे क्लिक कर देना और दोस्तों जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे क्रिएटिंग अकाउंट यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस होगा, आपको एक दो इंतजार करना है और जैसे इंतजार करेंगे दोस्तों इस तरह का एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन पर आप लॉग इन हो जाएंगे दोस्तों। अब आपको यहाँ पे देखिए साइन अप बोनस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का अर्निंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, मोबाइल के ऊपर कोने में देखिए 3 लाइन आपको दिख रहा होगा इस एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे स्वाइप होकर पेज आएगा जहाँ पे ढेर सारा आपको ऑप्शन होगा जैसे कि देख सकते हैं। सो अर्निंग करने के लिए आप देखिए ढेर सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए डेली टास्क का एक ऑप्शन होगा जैसे कि देख सकते हैं। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए आपको ढेर सारा देख सकते हैं बटन आ जाएगा, बटन ए, बटन बी, बटन सी, इस तरीके से बटन ए से लेकर के बटन एल तक का देख सकते हैं बटन आ जाएगा। तो ये ए बटन है दोस्तों। आपको करना क्या है, सिंपली इसमें आप सेल्फ वर्क कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो सेल्फ के अंदर। तो सेल्फ वर्क करने के लिए इस बटन ए पे आपको जो है आपको क्लिक कर देना है अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं। तो जैसे दोस्तों बटन ए पे क्लिक करेंगे देखिए मैंने आपके सामने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है एक एडवर्टाइजमेंट लोड लगा एज लाइक देख सकते हैं फोटो टाइप की, ठीक है। तो इस इंप्रेशन को मोबाइल को कोने से यहाँ से कट कर देना है। जैसे दोस्तों इसको कट करेंगे देखिए मैं आपके सामने कट किया, नीचे में लिखा गया इंप्रेशन सक्सेस। अब आपको करना क्या है, बटन बी पे आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों देख सकते हैं जैसे दोस्तों लास्ट में आ जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखा है क्लिक ऑन दिस एड। तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, आपको नेक्स्ट पे नेक्स्ट करके आपको सारे बटन पे क्लिक करना है वन बाय वन करके। जैसे दोस्तों लास्ट बटन एल पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा है क्लिक ऑन दिस एड, तो आपको इस एड के बीच में जो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस एड के बीच में क्लिक करेंगे तो नीचे में लिखा है लोडिंग, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लोडिंग लेने देना है और जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगा, ठीक है, इस पेज को ओपन होने दीजिए अच्छे तरीके से और यहाँ पे देखिए एक टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइमिंग को आपको खत्म होने देना है। तब तक दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पूरा स्वाइप कर देना है, फिर से ऊपर स्वाइप आ जाना है और यहाँ पे जो है आपको जब तक ये टाइमिंग खत्म ना हो तब तक आपको यहाँ पे इंतजार कर लेना है। यहाँ पे सक्सेस लिखा जाएगा और जैसे दोस्तों यहाँ पे सक्सेस लिखाएगा उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपनी एंड्रॉइड फोन का बैक बटन जो है आपको प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों प्रेस करेंगे देखिए मैंने प्रेस किया, फिर से देखिए एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है, इसको आपको करना क्या मोबाइल को कनेक्शन से कट करना है दोस्तों। जैसे ही कट करेंगे उसके बाद दोस्तों अब आप जो तो दोस्तों अभी जो आप बटन ए से बटन एल तक वन बाय वन करके जैसे बटन ए पे पहले क्लिक किए उसके बाद बटन बी पे क्लिक किए नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके बटन ए से बटन एल तक कंप्लीट करोगे और जैसे दोस्तों बटन एल पे आओगे तो आपको एक फोटो के बीच में आपको एक एडवर्टाइजमेंट के बीच में एज लाइक फोटो के बीच में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे और 30 सेकंड प्रतीक्षा करोगे, ठीक है, और सक्सेस होगा बैक लोगे, उसके बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। तो पैसे अब आप चलिए बैक होकर दिखा देते हैं मैं सिंपली। जैसे दोस्तों बैक हो गए तो यहाँ पे दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 0.35 जो कि पहले से 5 था और 30 अभी ऐड हुआ है तो टोटल देखते हैं 35 हो गया है, 0.35 ये पैसे हैं दोस्तों एक बार का दोस्तों।
तो सिंपली जैसे कि आपने देख पाए कि डेली टास्क पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप दोस्तों बटन ए से बटन एल तक कंप्लीट करेंगे, एज लाइक बटन ए पे क्लिक किए, बटन बी पे क्लिक किए, इस तरीके से वन बाय वन करके आपको क्लिक करते हुए आना है बटन एल तक। जैसे दोस्तों आप सारे को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको 30 पैसे एक बार के आपको मिल जाते हैं। दिन भर में दोस्तों आप जितनी बार करोगे उतने बार यहाँ पे 30-30 पैसे आपका ऐड होता जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है आपको यहाँ पे कितने रुपये ऐड करना होगा जो आप पेटीएम में ट्रांसफर ले पाओगे, अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ले पाओगे। तो चलिए वो हमें आपको दिखा देते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन अंदर आप इन्वाइट करके भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे जो आप अर्निंग किए हुए हैं इसको आपको पेटीएम में लेने के लिए आपको सिंपली फिर से मेन्यू बटन पर क्लिक कर रहा है। जैसे मेन्यू बटन पर क्लिक करते जस्ट नीचे में यहाँ आ जाए, यहाँ पर देखिए एक माई वैलेट का ऑप्शन होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है अगर आप अपने पैसे को पेटीएम में या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलेंट, यहाँ पे देख सकते हैं योर बैलेंस यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम अकाउंट, ठीक है। अगर आप पेटीएम में लेना चाहते हैं पेटीएम में ले सकते हैं या फिर बैंक में ले सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर डालना है और यहाँ पे आपको इंटर अमाउंट डालना है। चलिए मैं डाल देते हैं फटाफट से। दोस्तों मैंने अपना पेटीएम नंबर डाल दिया, इस तरीके से आपको अभी अपना डालना है और जितना आपका पैसा है उतना आपको पैसा डाल देना है। तो चलिए मैं अपना पैसा, तो चलिए मेरा एक रुपये भी कंप्लीट नहीं है, फिर भी मैं एक रुपये डाल देता हूँ। और नीचे में देखिए रिडम का एक ऑप्शन है, रिडम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यू नीड मिनिमम 10 रुपये फॉर रिडम। दोस्तों अगर आप पेटीएम को सिलेक्ट किए हुए रहेंगे तो आपको 10 रुपये होना चाहिए नेसेसरी। दोस्तों जस्ट आप नीचे में जरूर पढ़ लीजिएगा कि मिनिमम रिटर्न इज RS 10, ठीक है, फॉर पेटीएम, ये आपका पेटीएम के लिए है। अगर आप बैंक में लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपये आपको पुराना होगा। तो ये आप नीचे में पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो 10 रुपये अगर आप जल्द से जल्द कमा लेते हैं, अगर अर्निंग कर लेते हैं, तो पेटीएम को सिलेक्ट कीजिए, पेटीएम नंबर डालिए और पैसे डालिए, रिटर्न कर लीजिए, फटाक से आपके पेटीएम में चला आएगा। अगर 100 रुपये अर्निंग करते हैं तो आप बैंक में ट्रांसफर ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप 10 रुपये सेल्फ के अंदर अर्निंग कर लेंगे गिफ्ट कैश के अंदर, आप अपना पेटीएम नंबर डालिए और सबमिट कीजिए, रिडीम कीजिए। जैसे रिडीम करेंगे आपके पेटीएम अकाउंट में जो बैलेंस है इंस्टेंट चली आती है, एडिट हो जाती है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में शुरू में ही आपको अपनी पेटीएम ओपन करके आपको दिखा दिए थे, 10-10 रुपये जो कि गिफ्ट कैश एप्लीकेशन से आया हुआ था। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, इसलिए अर्निंग वीडियो देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, थैंक्स।